बात करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला, वंशानुक्रमण। व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक गुण जीन द्वारा निर्धारित होते हैं। जीन द्वारा मतलब अपने परिवार से, यानी वंशानुक्रमण के परिवार से परिवार में निर्धारित होते हैं। जीन या गुणसूत्र को ही वंशानुक्रमण की इकाई माना जाता है। इसी कारण वंशानुक्रमण द्वारा व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वंशानुक्रमण, वंशानुक्रमण शब्द का क्या है सिस्टम, इसका शब्द समझो। वंशानुक्रमण यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका संक्रमण का मतलब है वो गुणों का आगे की पीढ़ी में आना, उनका संक्रमण होना मतलब उनमें फैलना, उनमें समाहित हो जाना। जैसे तुमने देखा होगा कई बच्चों के माता पिता, पिता लंबे होते हैं, माता जी लंबी होती है, तो बच्चे उल्टे जाते हैं, कईयों का नक्शा उनके चला जाता है, कईयों की बीमारियां भी उनके, कईयों का मोटापा उनके अंदर चला जाता है। इसको कहते हैं वंशानुक्रमण, यानी उनके गुणों का संक्रमण उनके अंदर होना, समाहित उनके अंदर होना। इसी कारण वंशानुक्रमण द्वारा व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वंशानुक्रमण संबंधित जैसे ऊंचाई, चेहरा, रक्त समूह, रंग आदि माता पिता के गुण सूत्रों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जैसे अभी बताया बाय फेस, रक्त समूह, चेहरा यानी खून आदि माता पिता में जाते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां जो वंशानुक्रमण द्वारा आगामी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है, हस्तांतरित का मतलब उनमें आगे चली जाती है। वातावरण, एनवायरमेंट, अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। यदि वातावरण प्रदूषित है तो ऐसे वातावरण में अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। यदि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला क्या चीज है, वातावरण। अगर अच्छा वातावरण होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतुलित व पौष्टिक भोजन, भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को एक प्रकार की बीमारियों से बचाता है। यदि हमारा शरीर, हमारा भोजन संतुलित व पौष्टिक है, इससे हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि भोजन पौष्टिक तत्वों का अभाव है तो इसके हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जैसे भोजन का संतुलित व पौष्टिक होना ये आयु वर्ग के हिसाब से भी होता है। जैसे 20 वर्ष तक के विद्यार्थी को कैल्शियम और प्रोटीन सहित भोजन देना जरूरी है, लेकिन 20 वर्ष से ऊपर अगर उस व्यक्ति के भोजन में प्रोटीन नहीं है तो कोई बात नहीं। कैल्शियम की मात्रा तो उसके बाद भी चाहिएगी, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा से क्या होता है, जैसे अपने घुटने होते हैं, बाजू होती है, जो जोड़ होते हैं हमारे जोड़ों के अंदर, जैसे मोटरसाइकिल होता है ना, उसका पहिया होता है, पहिया के अंदर अगर ग्रीस नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, पहिया चलने से रुक जाएगा या उसकी गति कम हो जाएगी। जो अपने जोड़ होते हैं, जितने भी हिलने डुलने वाले, इनके अंदर स्नेह का काम, ग्रीस का काम, तेल का काम कौन करता है, ये कैल्शियम करता है। इसलिए कैल्शियम की जरूरत तो हर आयु वर्ग को होती है, परंतु 20 वर्ष के बाद प्रोटीन की आवश्यकता उतनी नहीं होती जितनी की हमें 20 वर्ष तक बच्चे को हड्डियों की ग्रोथ के लिए कैल्शियम और प्रोटीन का होना आवश्यक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हर आयु में जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति मरते दम तक काम करता रहता है। फाइबर की आवश्यकता हर उम्र में होती है, फाइबर की आवश्यकता बल्कि जो 60 साल के बाद सरकार रिटायर कर देती है लोगों को, इनके अंदर स्मरण शक्ति होती है, जो दिमाग के अंदर स्मरण शक्ति, याददाश्त की शक्ति होती है, इनके अंदर फाइबर कम हो जाता है। फाइबर सलाद, हरी सब्जियों से हमें मिलता है, तो ये चीजें भी आखिरी तक चाहिए होती है। तो भोजन संतुलित व पौष्टिक, संतुलित का मतलब सब चीजों का तालमेल, संतुलन उसके अंदर है, सभी उसके अंदर पौष्टिक तत्व विद्यमान है, ऐसा भोजन। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, वातावरण के अतिरिक्त व्यक्ति का अपना सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यदि व्यक्ति और उसके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच असामंजस्य है, तो इससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य हेतु समाज में सांस्कृतिक वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इससे न केवल उसका हित बल्कि देश समाज का हित है। ये सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण होता क्या है, जैसे सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण, जो व्यक्ति स्कूल के अंदर नहीं आता है उसके भी सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण
संस्कृति कैसे उसकी संस्कृति से संबंधित, जैसे विभिन्न त्योहार साल भर के अंदर आते हैं, विभिन्न इलेक्शन होते हैं, विभिन्न पंचायतें होती है, विभिन्न झगड़े होते हैं, जब झगड़े पंचायत ये चुनाव ये सारी चीजें होती है तो उसमें समाज के अंदर व्यक्ति की भूमिका होती है, उसका एक अहम रोल होता है व्यक्ति का, तो उसका वो सामाजिक प्रवेश है। जब व्यक्ति किसी पंचायत में जाता है उसके झगड़े सुलझाता है, जब व्यक्ति कोई इलेक्शन में जाता है उसकी भूमिका होती है, जब कोई धर्मशाला बन रही है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई कुछ भी बन रहा है, कोई पुल का निर्माण हो रहा है, कोई जोड़ों की खुदाई, ऐसे सभी सामाजिक कामों में जब व्यक्ति की भागीदारी होती है तो उसका सामाजिक प्रवेश होता है। लेकिन सांस्कृतिक प्रवेश क्या होता है, जैसे हमारे बहुत सारे त्योहार आते हैं, आज होली आ गई, कल दिवाली आ गई, भैया दूज आ गई, मकर संक्रांति आ गई, ये सब सांस्कृतिक सांस्कृतिक कैसे किसको कहते हैं, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ऐसे कार्यक्रम जिनमें हमें कोई बुलाकर नहीं ले आता, जिसका कोई कार्ड नहीं देता हमें, क्या तुम्हें कोई बुलाने आता है, आओ दिवाली मनाए, इस बार दिवाली मनेगी, ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि ये चीजें फिक्स है और हमें पता है, क्योंकि हमें पूर्वजों से अपनी संस्कृति ली है। तो प्रत्येक आदमी का सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनका लाभ क्या होता है, लाभ ये होता है कि आदमी अगर उसके जीवन में रंग ना हो, उसके जीवन में संस्कार या कुछ कार्यक्रम ना हो, तो जीवन बेरंग हो जाता है, तब तो उसमें चाव नहीं रहता। लेकिन जब दिवाली आती है तो मन को बड़ी खुशी होती है, जब होली आती है बड़ी खुशी है, और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिनमें हमें बड़ी खुशी मिलती है, दूसरे महीने कोई आ गया, दूसरे महीने कोई आ गया, ऐसे करके होता है। और आपको बताता हूँ, ये जो शादी वगैरह होती है ये भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा है, ये भी एक सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है। तो इनमें क्या करते हैं, जब शादी किसी की आती है तो नए आयाम जुटाता है, नए नए कपड़े करता है, क्या और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं करता है, तो ये आदमी के सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश का उदाहरण है। आर्थिक दशाएं, स्वास्थ्य आर्थिक दशाओं से प्रभावित होता है, स्वास्थ्य आर्थिक दशाओं से प्रभावित होता है, किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अर्थात वह गरीब है तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए वह नेत्रहीन आर्थिक अवस्था कर पाएगा और नए उनको चिकित्सा सुविधाएं दे पाएगा। यानी ये जो आर्थिक मैटर है इकोनॉमिक, ये आज के टाइम में सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ हो गया है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, तो आज के टाइम की जो व्याख्या करते हैं वो तो आपके लिए किसी से अभिशाप है। आप अगर पीएचडी भी है, डीलिट हैं या और बड़ी उपाधि पर, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, परंतु आपके पास बहुत सारा पैसा है, ये एक ऐसी आवश्यकता होगी आज के टाइम में। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा, सारी चीजें हैं, तो आप ताकत खरीद सकते हैं, बुद्धि खरीद सकते हैं, सब चीजें खरीद सकते हैं, आज के टाइम की बात कर रहा हूं। लेकिन अब मान लो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है, सुनो लगा लो, बहुत बड़े अकाउंटेंट है, नौकरी में रख लो, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट है, उनको घर पर नौकरी में रख लो, पैसे के द्वारा आपकी सारी चीजें तो रख पाएंगे, लेकिन पैसे से सत्यता नहीं रख पाएंगे। ये सारी आर्टिफिशियल चीजें होती है जो किराए पे हम रखते हैं। अब उदाहरण के लिए बताता हूँ, कोई आदमी आपने किराए पर रख लिया, अब उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी को किसने मारा, उसे बॉडीगार्ड ने मार दिया। ये चीजें आर्टिफिशियल, इनको मान के चलो, अस्थाई चीजें मान के चलो, ये सही नहीं होती है। जो अपने पास जो कुछ होता है शारीरिक मानसिक जो अपने पास है वही सच्चाई है। अन्य कारण स्वास्थ्य को जीवन शैली भौतिक और जैविक वातावरण स्वास्थ्य सेवा के स्तर पर मनोवैज्ञानिक और परिवार कल्याण सेवाएं भी प्रभावित करती है। स्वास्थ्य को जीवन शैली जैसे आपको एक बात बताता हूं, जीवन शैली क्या होता है, जीवन जीने की पद्धति, जीवन जैसे अपना जो विचार है वो हिंदू विचार है, एक ईसाई विचार को, मुस्लिम विचार को, ऐसे करके अलग अलग विचार उनकी जीवन शैली है। तो हिंदू जीवन शैली में क्या कहा जाता है, जीव मात्र में भी जीव मात्र के प्रति की दया होती है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, ये कुछ ऐसे मान बिंदु है जो अपनी जीवन शैली के मान बिंदु है, सबके प्रति सही होता। भारत हिंदू विचार को लेकर जीता है, जैसे भारत कभी किस देश के ऊपर आक्रमण नहीं करता, ये अपनी जीवन शैली में है, जीव मात्र पे दया करना जीवन शैली में है, शुद्ध भोजन करना जीवन शैली में है, ठीक विचार रखना जीवन शैली के अंदर है।
जैविक वातावरण स्वच्छ है।